नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रजनीश बसु के प्रवचनों पर आधारित है और हम सभी से जुड़ा है, लेकिन जिसके बारे में हम अक्सर चुप रहते हैं। जीवन का एक अटल सत्य। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमें डराता है लेकिन हमें जीना सिखाता है। उस विषय का नाम है मृत्यु। क्या मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है? क्या आपने कभी मृत्यु के बारे में सोचा है? क्या यह विचार आपको डराता है? सदियों से मनुष्य मृत्यु से बचने के तरीके खोजते रहे हैं। तो आइए हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सदियों से बताई जाती रही है। सिकंदर महान ने भी अमरता की खोज की थी। सुना है, जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने एक कहानी सुन रखी थी। सुन रखा था उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाए वो झरना कहाँ है। और आखिर वो एक दिन वो घड़ी आ गई जब उसे उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया। अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खोह में, छोटी सी गुफा में वो झरना था। भीतर प्रवेश किया, बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। स्फटिक मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी। आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देखकर फिर कोई रुके? जल्दी से अंजलि भरकर पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज सुनाई थी। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में? कोई नहीं, एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी कहानी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख भरी कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौवा और बोले, भरी हुई अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि तुम्हें क्या कहना है? उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा ही मैं भी सिकंदर हूं कौवों में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंततः मैंने यह झरना पा लिया और मैंने जी भरकर पानी पी लिया। इस बात को हुए सदियों बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूं और मर नहीं पा रहा हूं। सिर पटकता हूं, चोट नहीं लगती, पहाड़ से गिरता हूं जिंदा का जिंदा, आग में चला जाता हूं, पंख नहीं जलते, जहर पीता हूं, असर नहीं होता, और अब मुझे मरना है। मैं थक गया, बहुत थक गया, अब कब तक जीता रहूं, किसके लिए जीता रहूं? अब यह जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसे किसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीडोट, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना, फिर मर ना सकोगे। और कहते हैं कि सिकंदर ने दो क्षण सोचा और फिर भागा वहां से। भागा इसलिए कि कहीं प्रलोभन में पी ही ना ले। ऐसा भागा कि उसने लौट कर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की, तो वह बात भी नहीं करना चाहता था। वह कहता था कि उसकी बात ही मत करो, उस झरने की कोई बात मैं नहीं सुनना चाहता। मृत्यु को एक अंत के रूप में देखने के बजाय हम इसे एक परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। जैसे एक कैटरपिलर तितली बन जाता है, हमारी आत्मा भी एक नए रूप में प्रवेश करती है। मृत्यु से डरने के बजाय हमें जीवन को जीना चाहिए। शायद सवाल यही नहीं है कि हम मृत्यु को कैसे जीत सकते हैं, बल्कि ये है कि हम जीवन को कैसे जिएं। हमें हर पल को खजाने की तरह संजोना चाहिए। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे स्वीकार करके हम जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। आइए हम जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाएं। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं?
क्या आपने कभी मृत्यु के बारे में गहराई से सोचा है? अगर सोचा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिस व्यक्ति ने जीवन को समग्रता से जिया, ध्यानपूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी, उसके लिए तो परमात्मा में निमग्न होने का अवसर मिलेगा। वह तो उसके विराट आकाश में लीन हो जाएगा, जैसे गंगा सागर में गिरकर लीन हो जाती है। उस लीनता का आनंद लेगा, वह इस मिलन का बहुत आनंद लेगा। यह आनंद हमेशा के लिए है। उस अवस्था में सिर्फ सच्चाई, चेतना और आनंद होगा। उसके पास कोई शरीर नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान और चेतना रहेगी। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल महासागर हैं और आपकी हर लहर, हर बूंद उस महासागर का ही हिस्सा है। जब आपकी यह छोटी सी लहर समाप्त होती है तो आप उस महासागर में विलीन हो जाते हैं। वहां आपको कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। एक तितली का मृत्यु भी कुछ इसी तरह है। यह एक परिवर्तन है, एक नए अध्याय की शुरुआत। जब हम इस देह को छोड़ते हैं तो हम एक नए रूप में प्रवेश करते हैं। और आपको अगर यहीं वापस आना है तो घबराते क्यों? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहां है? जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण और कुछ है। रूप पल पल पर बदल कर कुछ और हो जाता है। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो जाग कर मरेंगे, जो जाग कर मरेंगे वो ना तो जन्मते ना मरते, वे उस शाश्वत को पा लेते हैं जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत का नाम ही परमात्मा है। मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या लाभ लगेगा, क्या हाथ लगेगा? 70 साल की जिंदगी हो कि 700 साल की, 700 साल की हो कि 7000 साल की हो, तुम वही दोहराए जाओगे ना। इतना दोहराने से भी तुम्हें समझ नहीं आती? इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे, यही भूलें फिर करोगे? नहीं, मौत पर विजय नहीं पानी है, जीवन पर विजय पानी है। और जीवन पर विजय कैसे मिलती है? उसको मिलती है जो जीवन को जान लेता है। हम अपने से ही अपरिचित जी रहे हैं, यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, और मौत को जीतना चाहते हैं। डुबकी मारो इसमें कि मैं कौन हूं, पूछो एक प्रश्न, सतत मैं कौन हूं, और इतना उत्तर खोज लो। और उत्तर ख्याल रखना उधार ना, तुम्हारा खुद का हो। जीवन एक उत्सव है, एक नाच है, एक गीत है। इसे जीने के लिए हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। जीवन एक पहेली नहीं, इसका उत्तर खोजना है। यह एक अनुभव है, इसे जीना है। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी पास। धन्यवाद।